हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है छतरपुर मंदिर का, जो कि बेस्ड है माँ कात्यायनी देवी पर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ छतरपुर, और यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है पैदल। तो बस मैं मेट्रो स्टेशन से उतरा और पैदल आ गया हूँ। वैसे ऑटो भी मिलते हैं, पर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं। अब पहुँचते हैं मंदिर में, फिर मंदिर की एंट्री देते हैं, फिर मंदिर में पहुँच के दिखाता हूँ कैसा है मंदिर। और यहाँ पे रोड के इस साइड को लेफ्ट हैंड पे है माँ कात्यायनी मंदिर, और राइट हैंड पे है हनुमान जी की विशाल मूर्ति। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रही होगी हनुमान जी की मूर्ति। मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, ये हनुमान जी की विशाल काय मूर्ति। अभी जाएंगे इस मंदिर में भी हम। मंदिर गेट पे पहुंच गया हूँ, अब यहाँ पे शूज वगैरह रखते हैं और फिर अंदर मंदिर में एंट्री लेते हैं। ये बूट हाउस है, तो यहाँ पे आके आपने बूट रख सकते हो, जूते वगैरह रख सकते हो। शूज़ रख दिए हैं, ये टोकन मिल गया है, अब एंट्री करते हैं। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, तो चलते हैं एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर एंट्री कर लिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है यार, देख के ये मन को शांति मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर है मंदिर का, और अलग ही मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर। अब अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं माता के। काफ़ी अच्छा मंदिर है भाई, मन को खुशी मिल गई। ये हैं संत नागपाल बाबा, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। ये इनकी स्मृति में ही मूर्ति की स्थापना की गई थी 2022 में 10 जुलाई। काफ़ी अच्छी मूर्ति बना रखी है बाबा की भी। ये शायद सत्संग भवन है, यहाँ पे आरती वगैरह या सत्संग होते हैं। काफ़ी ज़रा बड़ा हॉल है ये, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है यार, कितना अच्छा बना रखा है मंदिर को। काफ़ी सही है मंदिर। अभी दर्शन करते हैं, चलते हैं क्या क्या मंदिर में हैं, कौन कौन से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं अंदर। अब चल रहे हैं शिव जी के मंदिर में, सामने शिव जी का मंदिर है, तो पहले चलते हैं शिव जी के दर्शन करते हैं। शिव 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 शिव। माँ कात्यायनी की जी के दर्शन किए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था मंदिर के अंदर, तो वीडियो तो नहीं बनाई। आप लोगों को आगे दर्शन करने पड़ेंगे, और जब अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो अलग ही मन को शांति मिलेगी, क्योंकि एक माँ के चेहरे पे अलग ही चमक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे अंदर मंदिर के अंदर। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। ये माँ का बैठक कक्ष है, काफ़ी सही बना हुआ है, एकदम लग्जरी वाली फील है माता के लिए। कितना सही बना रखा है भाई, पूरी टेबल चेयर्स वगैरह सब पड़ी हुई हैं, काफ़ी सही है भाई। और ये माँ का शयान कक्ष है, ये भी काफ़ी सही बना हुआ है, बेड वगैरह सब कुछ है उधर, सोफ़ा सेट चेयर्स, और ये सिंगार दानी भी रखी है माता की, काफ़ी सही बना हुआ है। और ये हैं नागपाल बाबा, जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी। अब चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ, यहाँ से एंट्री है इस वाले मंदिर की। अंदर देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये भी, कितना अच्छा परिसर है, काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है मंदिर के अंदर। मंदिर में पहुंच गए, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, और थोड़ा ये लुक साउथ इंडियंस मंदिर के की तरह लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये मंदिर।
अब चलते हैं अंदर मंदिर में। मंदिर के एंट्री पे हमारे प्रिय श्री कृष्ण जी मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी मूर्ति है कृष्ण जी की भी। मंदिर के अंदर आपको अपने श्री कृष्ण जी मिल जाते हैं बाल रूप में, और सामने गणेश लक्ष्मी जी। कितना अच्छा झूमर है, जब ये रात में जलता होगा लाइट में कितना भव्य होता होगा। काफ़ी ज़्यादा विशाल मूर्ति है गणेश। मेन मंदिर सिर्फ वही था जिसमें पहले हमने दर्शन किए थे, पर और ये भी एक मंदिर है जिसमें गणेश लक्ष्मी जी थे मेन मंदिर में। काफ़ी ज़्यादा विशाल मंदिर था, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, काफ़ी सही मंदिर था ये भी। पर जैसे कि नवमी नवरात्रे वगैरह होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, अभी भीड़ कम है। और ये मंदिर करीब 70 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है दिल्ली में। ये मंदिर का संग्रहालय है, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इधर से जाने का रास्ता है। ऐसा लग रहा है सामने ही बाबा बैठे हुए हैं। ये यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, जब यज्ञ होते होंगे तो यहीं यज्ञ किए जाते हैं। पूरी स्कूल से भी लोग आ रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। अब कमेंट में आप लोग बताना, आप लोग स्कूल ट्रिप पे कहाँ कहाँ गए हो, जो 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 स्कूल ट्रिप पे गए हैं तो वो अपने कमेंट में बताना कहाँ कहाँ कब कब गए थे और कौन सी क्लास में गए थे। ये मंदिर की पार्किंग है और धर्मशाला वगैरह है, तो लोग अगर दूर से आते हैं तो यहाँ पे आके रुक सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्किंग है तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी के वाहन के लिए, बाइक की भी कार की भी पूरी पार्किंग है। अब एंट्री लेते हैं शिव गौरी नागेश्वर मंदिर में, ये जस्ट सामने ही है और ये भी इसी के मंदिर का है जहाँ पर अभी मैं होके आया हूँ। अब चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं। यहाँ पे शिव जी और हनुमान जी की मूर्ति है जो मेट्रो से भी दिखती है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। यहाँ पर देखिए कितना विशाल का है त्रिशूल है शिव जी का, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये शिव जी के लिए मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये भी। अभी अंदर चलते हैं मंदिर के और दर्शन करते हैं शिव जी के। चलते हैं, समाधि स्थल है सामने, अब अंदर देखते हैं, समाधि स्थल पे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मंदिर, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। सामने शिव जी हैं, ये देखिए आर्किटेक्चर तो भाई एक नंबर है। जो मैंने पीछे दिखाया था तो एक वीडियो में आपने अगर गौर करा होगा तो 3000 किलो का जो घंटा था वो यहाँ पर स्थापित है। अभी चलते हैं और दिखाता हूँ, वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा ये है वो, अभी पास से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। काफ़ी सही मंदिर बना हुआ है यार। इस मंदिर की एंट्री पे आपको बड़े बड़े दो हाथी मिल जाते हैं, एक ये आती है और एक ये आती है जो एंट्री पॉइंट पर है। और ये पूरा उनके बारे में, पूरे मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, मैं पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता हूँ वीडियो में। आप लोग आर्किटेक्चर देखो यार, मैं तो आर्किटेक्चर से खुश हो गया, इतना ज़्यादा अच्छा, कलर भी इतना ज़्यादा अच्छा, पूरा कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया सा है। अंदर तो अलाउ नहीं है बट मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखिए कितना अच्छा है। ऊपर भी एक मंदिर है तो सीढ़ी के द्वारा चल रहे हैं ऊपर की तरफ,
देखते हैं ऊपर कौन सा मंदिर है। आप लोग कमेंट में बताना आपको ये मंदिर कैसा लगा। मेरी पूरी कोशिश रही आपको ये मंदिर दिखाने की जितना मैं कवर कर पाया, क्योंकि कई जगह वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए जितनी बना पाया तो मैंने आपको दिखाया है काफ़ी। वैसे ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। ये घंटा है जो 3000 किलो का है, बट अंदर जा नहीं सकते क्योंकि बंद है दरवाज़ा यहाँ का, पर काफ़ी विशाल है ये भी। ये आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जब अगर भंडारा वंडारा होता है तो लाइन वगैरह लगती है, तो इसी में लगती है। यही भंडारा कक्ष है, तो यही भंडारा होता है। सामने है एक दरवाज़ा है काफ़ी बड़ा जो मैं अभी दिखाता हूँ, और उस पर काफ़ी बड़ा लॉक लगा हुआ है। चलते हैं पास में और दिखाता हूँ मैं आपको। ये सामने वो दरवाज़ा और कितना ही बड़ा यार लॉक है, मैं पास जाके दिखाता हूँ आप लोगों को कितना ज़्यादा विशाल लॉक और दरवाज़ा है। ये शिव जी का मंदिर है, तो अब चलते हैं बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग, शिव जी यहाँ पे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं शिव जी। और इन्हीं के सामने शिव जी का विशालकाय त्रिशूल जो काफ़ी बड़ा है। जब मन खुश हो गया, दिन पूरा वसूल हो गया दिन के टाइम का, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसे ही आया, पर मन को भी ज़्यादा बहुत शांति मिली मुझे इस मंदिर में आके, और काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिली। आप लोग भी इस मंदिर में ज़रूर ज़रूर आना। आप लोग ये त्रिशूल देख रहे हैं, और जो कि एक कछुए के ऊपर बनाया गया है, वो भी कछुआ भी देखिए कितना काफ़ी ज़्यादा विशाल है। और त्रिशूल का तो क्या ही कहना, फ्रंट से बिल्कुल विशाल कछुए के ऊपर बनाया गया है त्रिशूल को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा मैंने ऐसा कभी और कहीं और नहीं देखा वैसे, कि ऐसे एकदम बढ़िया सा बड़ा सा विशाल त्रिशूल और कछुए एक साथ। अब बस शायद रह गई है विशाल हनुमान जी की मूर्ति, उसके दर्शन करते हैं और चलते हैं वहीं पे। सामने देखिए दिख रहे होंगे आपको हनुमान जी, अब उधर है रास्ता जाने का, तो चलते हैं उधर की तरफ ही हनुमान जी के पास। पूरा ये मंदिर देख के साउथ इंडियन टेंपल्स का फील आ रहा है। ऐसे मंदिर साउथ में ही होते हैं ज़्यादातर इस स्ट्रक्चर में। पहुंच गया हूँ, काफ़ी विशाल का ये प्रतिमा है हनुमान जी की, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब तक की मैंने सबसे बड़ी मूर्ति देखी है वैसे हनुमान जी की, हमारे बरेली में भी है बट इतनी ऊंची नहीं है। ये देखूँगा, आपको पता हो कितनी ऊंची है तो कमेंट में बताना, मैं भी सर्च करके बताऊँगा कितनी ऊँची है इस मंदिर की मूर्ति। ये देखिए भाई साहब कितनी विशाल है। चलते हैं आगे की तरफ और दर्शन करते हैं। हनुमान जी के दर्शन कर लिए, आप एक बार और कर लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विशाल और बड़ी मूर्ति है। जाने का मन तो नहीं कर रहा है पर जाना पड़ेगा, क्योंकि लेट भी हो रहा है, 6 बजने वाले हैं और अंधेरा भी हो जाएगा, ठंड में जल्दी हो जाती है रात, तो चलते हैं अब। काफ़ी अच्छा लगा लोग भी यहाँ पे आएँ और मंदिर के दर्शन करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मंदिर के अंदर वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि आज्ञा नहीं थी, तो इसलिए मैं अंदर मंदिर की शूट नहीं कर पाया। अगर आपको ऐसे भव्य दर्शन चाहिए तो आप लोगों को आना पड़ेगा, और कमेंट में करके बताना कि कौन कौन इस मंदिर में आया है और कौन कौन प्लान कर रहा है इस मंदिर में, छतरपुर मंदिर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों ने वैसे भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं, तो अब आप मेरा वॉच आवर भी कंप्लीट करा दीजिए ऐसे ही, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी, और मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं जो इंटरेस्टिंग होंगी और अच्छा अच्छा रोमांच होगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ ट्रिप पर भी जाने का, तो जैसा भी प्लान अगर कन्फर्म हो जाएगा तो ट्रिप पर जाएंगे और वहाँ के भी ब्लॉग बनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही मस्त ब्लॉग में, और ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो ये मिलते हैं ऐसे ही मस्त ब्लॉग में, टाटा एंड बाय।